प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल के सभी अपडेट्स पाइए। हेलो गाइस, वेलकम टू सूरीज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मोहित सूरी, द डायरेक्टर ऑफ सूरीज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। और आज जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट टू। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट पार्ट में जो है वो फर्स्ट फोर इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था, जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन और अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल, हमने ये चार टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था। तो आज हम सेकंड पार्ट में, आप जो है हमारी वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में से जो है उसका लिंक जो है वहाँ से आप उसे लिंक को लेकर वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आज हमारा जो फर्स्ट यानी कि फिफ्थ जो है हमारा वो है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स? जब बिजनेस के अंदर हम किसी चीज़ के लिए लायबल है, यानी कि हमें हमारे जो चीज़ें हमने बाहर वालों को पे करनी है वो हमारी लायबिलिटीज है। यानी कि एक बिजनेस के अंदर जो भी लोन्स है, ठीक है, जो भी लायबिलिटीज है, तो वो जो है वो बिजनेस के लिए लॉस है। तो इट रेफर्स टू एन अमाउंट ओइंग बाय 1% टू अनदर पेबल इन मनी, गुड्स और सर्विसेज। इन जनरल लायबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस टू आउटसाइड पार्टीज अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। एंड तो डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है, आर एंथनी की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप, मैं कहूंगा तो आप ये प्रेफर करिए कि इन जनरल लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन टू आउटसाइड पार्टीज अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। दस लायबिलिटीज आर अमाउंट विच अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अदर्स ऑन क्रेडिट, यस फ्रेंड्स, ऑन क्रेडिट एंड थ्रू कैश बोरोइंग्स टू फाइनेंस द बिजनेस। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँगा कि जो भी फाइनेंस लायबिलिटी क्रेडिट आपने बिजनेस में रेज किया हुआ है वो आपकी सब लायबिलिटीज है। और लायबिलिटीज का जो मेन फॉर्मूला है, जो कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर जब आगे पढ़ेंगे उसमें आपके ये यूज़ होगा कि लायबिलिटीज जो होती है वो हम जब एसेट्स में से जब हम कैपिटल लेस कर देते हैं। कैपिटल फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि जो ओनर बिजनेस में जो इनिशियल अमाउंट लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट में, एक्सटर्नल लायबिलिटीज एंड इंटरनल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आगे, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। तो इंटरनल लायबिलिटीज कौन सी होती है? जो फ्रेंड्स जो बिजनेस जो है, अब माना जाता है कि अकाउंटिंग में जो बिजनेसमैन होता है और बिजनेस एंटरप्राइज होता है वो सेपरेट एंटिटीज होती है। तो ये आगे हम कंसेप्ट एंड कन्वेंशन जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसमें एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है कि इसमें जो बिजनेसमैन होता है उसे उसकी बिजनेस से अलग माना जाता है। तो अमाउंट ओड बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू द ओनर्स आर इंटरनल लायबिलिटीज सच एज कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। एक्सटर्नल लायबिलिटीज अमाउंट ओन्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू द आउटसाइडर्स, यानी कि जब इनसाइडर्स यानी अपने ऑनर्स से जब लेगी कैपिटल जो है, तो सॉरी लायबिलिटी है जो, तो वो इंटरनल होगी। पर आउटसाइड से जैसे बैंक से लोन लेना, क्रेडिटर्स, रेंट पेबल, तो जो अगर वो बाहर की जो सोर्सेज से जो है लायबिलिटीज को रेज करती है तो हम उसे एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलेंगे। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, द लायबिलिटीज विच आर पेबल इन अ रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड। नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज फ्रेंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज आप इसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी कि जो आपने नॉर्मली एक साल से ज्यादा, लॉन्ग टर्म हमेशा एक साल से ज्यादा के लिए माना जाता है और एक साल के अंदर अंदर हम उसे शॉर्ट टर्म या शॉर्ट पीरियड बोलते हैं और करंट पीरियड भी बोल सकते हैं और उन्हें हम करंट लायबिलिटीज भी कह सकते हैं। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड लायबिलिटीज। इसमें हम लॉन्ग टर्म लोन्स को, पब्लिक डिपॉजिट्स को, डिवेंचर्स को इंक्लूड करें। करंट लायबिलिटीज इट रेफर्स टू दोज लायबिलिटीज विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट पीरियड के लिए। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज में इट रेफर्स टू द अमाउंट विच मे और मे नॉट बिकम पेबल इन फ्यूचर। यानी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या है फ्रेंड्स? मान लीजिए कि आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो हो सकता है कि वो आपके हक में हो सकता है वो आपके अगेंस्ट हो, यानी वो आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके अगेंस्ट भी हो सकता है।
तो इस तरह की लायबिलिटी को हम कंटिजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। इसे कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाया जाता है, इसे बैलेंस शीट के नीचे, फ्रेंड्स इसे बैलेंस शीट के नीचे एक फुटनोट के नीचे, फुटनोट में दिखाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट एसेट। तो फ्रेंड्स एसेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बैलेंस शीट में, यानी कि हमारी जितनी भी जो भी बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स होती है, यानी कि कहने का मतलब जितनी भी हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि जो भी हमारे टेंजिबल है, ठीक है फ्रेंड्स, जो भी हमारे मतलब मान लीजिए बिजनेस के अंदर प्लांट है, मशीनरी है, ठीक है, वो सब हमारे एसेट्स हैं। एंड एसेट इज एन ओन्ड एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि टेंजिबल है जो, और राइट इनटेंजिबल हैविंग अ मनी वैल्यू। इन अदर वर्ड्स एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय बिजनेस फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटरप्राइज। तो फ्रेंड्स इसमें हम जो है फिने और मिलर की मैं डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि एसेट्स आर थिंग्स ऑफ वैल्यू टू बी इंक्लूडेड इन इट्स बैलेंस शीट। द बिजनेस मस्ट हैव एक्वायर्ड द राइट टू यूज और कंट्रोल द एसेट्स ऑफ द बेनिफिट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एसेट, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्स्टिशियस एसेट्स। आप नॉन करंट एसेट्स को यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। सो फ्रेंड्स नॉन करंट एसेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिन्हें हम नॉर्मली रीसेल पर्पसेस के लिए नहीं लेते बिजनेस में, हम इन्हें लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करने के लिए बिजनेस से परचेज करते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल्स एक्सेट्रा। फिक्स एसेट्स को जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल्स मतलब तो आपको पता ही है कि जिनको हम छू सकते हैं फ्रेंड्स, जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है। और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स में हम उन्हें इंक्लूड करते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। देयर आर यूजुअली द राइट टू यूज, प्रोड्यूस और प्रोवाइड द गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, गुडविल इज अ रेपुटेशन। एक चैप्टर आप पढ़ेंगे आई थिंक प्लस टू में, ये चैप्टर पढ़ेंगे गुडविल। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और फ्रेंचाइजीज एटसेट्रा। नेक्स्ट करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आर दोज एसेट विच आर हेल्ड इन फॉर्म ऑफ कैश। फ्रेंड्स डे टू डे बिजनेस लाइफ में आपको बिजनेस चलाने के लिए जो कैश चाहिए होता है, यानी कि वो एसेट्स, वो लिक्विडिटी, वो एसेट्स जो कि आप एक साल के अंदर यूज करते हैं। और अगर आपको आपका बिजनेस आज हमें सेल करना पड़ जाए, और आज अगर आपको कोई बोले कि आज आप एक दिन के अंदर कितना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं करंट एसेट्स। यानी फ्रेंड जितना जल्दी आप उस पैसे को रिकवर कर सकते हैं, करंट एसेट्स इन फॉर्म ऑफ कैश फॉर देयर कन्वर्जन इन टू कैश एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर देयर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। लिक्विड एसेट्स इज अ वेरिड फॉर्म ऑफ करंट एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर इन कैश फॉर्म और कैन बी इजिली कन्वर्टेबल इन टू कैश इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, जैसा कि हमने डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है आप जल्दी ही इन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिक्टिशियस एसेट्स। सो फ्रेंड्स इट रेफर्स टू दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म एंड हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू। इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती और इनकी ना ही कोई रियलाइजेबल वैल्यू होती है, यानी कि इनकी कोई सेलेबल वैल्यू नहीं होती। सच एसेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, इन्हें हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दीज आर शोन एज एसेट्स बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिकरिंग नेचर। इनके नॉन रिकरिंग नेचर के कारण हम इन्हें एसेट्स बोलते हैं। ऑल नॉन रिकरिंग पेमेंट्स आर शोन एज एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसिज इंकर्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिज। फ्रेंड्स नॉर्मली ये एक्सपेंसिज जो है वो प्रमोटर्स करते हैं बिजनेस के, एंड जो कंपनी के शुरू होने से पहले ही किए जाते हैं। एक्सपेंसिज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स बाय द कंपनी। अब फ्रेंड्स कंपनी जब जो है वो शुरू की जाती है, तो वो पब्लिक से जब वो पैसा रेस करती है, तो एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, जिससे कि वो इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, हम आगे जाकर प्लस टू में ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो उसमें उससे पहले कुछ प्रोस्पेक्टस से और पैसा रेस करने के भी खर्चे होते हैं फ्रेंड्स। तो यानी कि बिजनेस से पहले के जो ये खर्चे होते हैं वो सारे के सारे हम नॉन रिकरिंग एसेट्स मानते हैं। डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डेटर्स, डिवेंचर्स सॉरी एटसेट्रा। नेक्स्ट रिसिप्ट। द बिजनेस एंटरप्राइज मे हैव फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस। रिसिप्ट मतलब जितने भी हमें प्रॉफिट्स हो रही है, इनकम्स हो रही है, गेंस हो रही है। रिसिप्ट भी जो है फ्रेंड्स वो दो तरह की होती है। फर्स्ट कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट जो होती है फ्रेंड्स वो हमें जो है वो कंसिस्ट ऑफ नॉन रिकरिंग रिसिप्ट।
इनटू बिजनेस विच आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट और एज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो फ्रेंड्स, कैपिटल एसेट्स जो है वो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है और इसको हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं बैलेंस शीट की, और या तो हम इसे उसी एसेट्स में से लेस करके लिख सकते हैं। और कैपिटल जो रिसिप्ट है हमारी, उसमें हम कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ऑनर्स, मनी बोरोड फॉर द बिजनेस और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट कंसिस्ट ऑफ रिकरिंग डिपोजिट्स इन टू द बिजनेस। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है हम सेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कमीशन और इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हैं। एक्सपेंडिचर, फ्रेंड्स आप इसके एक्सपेंडिचर तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंस। तो बिजनेस के अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं हम उसे इंक्लूड करते हैं। इसमें हम तीन तरह के मेन एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड करते हैं, फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और थर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बिजनेस में आप मेनली कभी कभार करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करनी है, मशीनरी परचेज करनी है, व्हीकल परचेज करना है, कंप्यूटर परचेज करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो है कभी कभार बिजनेस में किए जाने वाले खर्चे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मे बी डिस्क्राइब्ड एज आउटले रिजल्टिंग इन द इंक्रीज और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, या आपकी एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है, और आपकी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस को बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू विलियम पीपल्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे आपको एक साल के अंदर बार बार करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब रेपिटेटिव नेचर के एक्सपेंसिस होते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि द अमाउंट इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज द एक्सपेंस इनकर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसिस, ऑल द पेमेंट्स ऑफ रिकरिंग नेचर सच एज सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, कैरिज, फ्राइट, एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा आर नोन एज एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा जो कि इन्होंने भी यही एग्जाम्पल लिया हुआ है एडवर्टीजमेंट का, यानी कि वो एक्सपेंसिस जो हम एडवांस में पे कर देते हैं और जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता रहता है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि जिस किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने उसको 5 साल की वो पेमेंट कर दी, पर फ्रेंड्स मुझे वो 5 साल तक बेनिफिट मिलना है, यानी कि या मान लीजिए कि अगर मुझे 5 लाख रुपये शुरू में पे कर दिए हैं मैंने उसके लिए, तो 1 साल का 1 लाख हो गया एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स, मैं एकदम बिजनेस से 5 लाख रुपये लेस नहीं करूंगा। अगर मैं लेस करूंगा तो मुझे जो है इतना एक्सपेंडिचर दिखाने की वजह से मेरे बिजनेस में मुझे लॉस हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैं हर साल 1-1 लाख रुपए को अपना एक्सपेंडिचर दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर मैंने 1 लाख एक्सपेंडिचर किया, तो मेरे 5 लाख में से 1 लाख एक्सपेंडिचर किया और अब मेरी 4 लाख रुपए की जो है वो एडवर्टीजमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी भी बाकी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है एक्सपेंस। एक्सपेंस इज दैट पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर विच हैज बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड टू अर्न रेवेन्यू। तो फ्रेंड्स, एक्सपेंस तो आपको पता ही है कि ये एक्सपेंडिचर होता है और ये करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए में किया जाता है ताकि हम रेवेन्यू को अर्न कर सके। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे सैलरीज पेड, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट और डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। इनकम, इनकम इज सिंपली द इवेंट दैट रिजल्ट इज मनी। तो सर, इनकम तो फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते होंगे कि इनकम क्या होता है और एक बिजनेस में इनकम कैसे होगी, जब वो जिस चीज में वो बिजनेस कर रही है, जिस गुड्स में वो बिजनेस कर रही है उसको बेचने पर, यानी जो सामान वो जिस चीज का वो बिजनेस कर रही है, मान लीजिए मैं मेरा पेन का बिजनेस है, पेन भी, तो मैं जो पेन बेचूंगा, ठीक है, उससे जो मुझे रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है ना, वो मेरा इनकम है। एक डॉक्टर जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है, तो वो उसकी इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड होना, रेंट रिसीव्ड होना, ये सारे के सारे जो टाइप्स है वो इनकम के। और इनकम जो है फ्रेंड्स वो प्रॉफिट के रूप में हमें मिलती है, और जब ये प्रॉफिट के रूप में मिलती है तो हम इसे कैपिटल में ऐड करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मोर इनकम मीन्स मोर प्रॉफिट विच मीन्स मोर ऑफ फॉर द ऑनर, यानी कि इनकम जितनी होगी प्रॉफिट उतने होंगे और उतना ही ऑनर को फायदा होगा और ऑनर के लिए बेनिफिट होगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट इज फाइनेंशियल वेल्थ। प्रॉफिट भी फ्रेंड्स बहुत ही कॉमन टर्म है। प्रॉफिट्स आपको कब होंगे, जब आप टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे फ्रेंड्स, उसे हम प्रॉफिट बोलेंगे। गेन इट इज अ प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर। ये प्रॉफिट जो होती है वो इरेगुलर नेचर की होती है, यानी कि कभी कभार होने वाली गेन होती है, प्रॉफिट होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई फिक्स एसेट है आपके बिजनेस में, आप उसे बेचते हैं फ्रेंड्स, आप नॉर्मल बेसिस पे आप फिक्स एसेट्स को बार बार तो नहीं बेचेंगे, यानी कि बिजनेस में कभी कभार होने वाली जो भी गेन
जो भी हमें फायदा होगा बेचने पर अपने फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को, हम उसे गेन कह सकते हैं। द गेन मे बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन का कंसेप्ट आप इनकम टैक्स चैप्टर में पढ़ेंगे और वो आप बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर मशीनरी है 45,000 की और उसे हम 60,000 में बेचते हैं तो हमें गेन हो रहा है 15,000 की, यानी कि 45,000 की मशीनरी अगर हम 60,000 में जो है वो सेल करेंगे तो आप इतना समझते ही है कि ये गेन है। सो नेक्स्ट इज लॉस। लॉस इज एन अनवांटेड बर्डन ऑन द बिजनेस। तो जो लॉस है फ्रेंड्स, वो आपको पता ही है कि एक बर्डन है और ये रिस्की है बिजनेस में बहुत, और इट में भी क्लासिफाइड एज नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। तो इसमें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं इसको नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस अराइज ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। फ्रेंड, जो प्रोडक्ट का नेचर है अगर उसकी वजह से ये लॉस होता है तो उसे नॉर्मल लॉस। जैसे कि मान लीजिए सच एज एवेपोरेशन, ठीक है, मान लीजिए तेल है, ठीक है, वो उड़ गया, ठीक है, लीकेज हो गई, उसकी श्रिंकेज होगी, कोई प्रोडक्ट है उस श्रिंक हो जाता है, उसको श्रिंक हो गया, लूज ऑफ वेट, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे हम इसमें हम आटे का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो आटा है वो बहुत जल्दी उड़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। तो और ऑन द अदर हैंड, एबनॉर्मल लॉस इज रिजल्ट ऑफ सम मिस हैपनिंग सच एज फायर। अब एबनॉर्मल लॉस है जिसकी एबनॉर्मल, जो कि नॉर्मल नहीं है, यानी कि जो नॉर्मल कॉजेज के कारण नहीं हुआ है, जैसे फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, फ्लड, स्ट्रॉम एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स, इसकी वजह से जो है हमेशा ऑनर्स की इक्विटी कम हो जाती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है हम टर्मिनोलॉजीज को इंक्लूड कर सके। टोटल 40 टर्मिनोलॉजीज है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। तो हमने इस पार्ट में जो है 13, यानी अब तक हमने 13 को कवर कर लिया है, और इस पार्ट में हमने 9 टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, एक बार हम रिकैपिटुलेशन कर लेते हैं। तो हमने इसमें कौन कौन सी डिस्कस करी है, लाइबिलिटीज, एसेट, और उसके बाद हमने रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट 3 हम जल्दी बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सूरीज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स।